भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जो बिना हेलमेट पहने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की उड़ाता था धज्जियां। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले 10,000 रन बनाने का किया था कारनामा। पहले नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए बनाए इतने रन की जो आज भी है विश्व रिकॉर्ड। इन सब के अलावा दर्ज है एक और अनोखा रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में लगातार 4 पारियों में बना चुका है दोहरा शतक। चकदे क्रिकेट के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसके नाम क्रिकेट के कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो आज भी उसी खिलाड़ी के नाम दर्ज हैं। उस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट को एक मुकाम दिया है। कहते हैं 80 के दशक में जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज के सामने भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाते थे तो इस बल्लेबाज ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों को विकेट पर खड़ा होना सिखाया। उसने भारतीय टीम को एक हौसला दिया। उस बल्लेबाज ने भारतीय टीम को एक हिम्मत दी। इतना ही नहीं, उस बल्लेबाज ने भारतीय टीम को एक हौसला तो दिया ही, साथ ही साथ उसने ये बताया कि रन बनाने के साथ साथ शतक कैसे बनाया जाता है। विश्व में अगर बल्लेबाजी का जिक्र होता है तो इस खिलाड़ी का नाम आज भी क्रिकेट जगत के लोग बड़े ही अदब के साथ लेते हैं। यह बात उस समय की है जब भारतीय क्रिकेट में आज इतना जलवा नहीं हुआ करता था और ना ही लोग क्रिकेट को उस समय इतना पसंद करते थे, लेकिन जब यह बल्लेबाज मैदान पर आता था तो जैसे पूरे देश में क्रिकेट की लहर सी छा गई हो। यह खिलाड़ी लोगों के दिलो दिमाग में छा गया था। इस खिलाड़ी का नाम है लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि मैं कभी क्रिकेटर नहीं बना होता और ना ही यह किताब लिखी होती अगर मेरी ज़िंदगी में तेज़ नज़रों वाले नारायण मासूरकर नहीं होते। उन्होंने बताया कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे देखने अस्पताल आए थे और उन्होंने मेरे कान पर एक बर्थ मार्क देखा था। जब वे अगले दिन अस्पताल आए तो उन्होंने जिस बच्चे को गोद में लिया उस बच्चे के का कान पर वह निशान नहीं था। इसके बाद पूरे अस्पताल में बच्चे को चेक किया गया, जिसके बाद मैं उन्हें मछुआरे की पत्नी के पास सोता हुआ मिला। गावस्कर ने कहा कि हो सकता था मैं भी आगे के दिनों में मछुआरा होता। सुनील गावस्कर का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्हें क्रिकेट विरासत के रूप में मिली थी। उस समय उनके पिता क्लब क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे। गावस्कर अपने स्कूली दिनों में भारत के बेस्ट स्कूल बॉयड का अवार्ड भी जीत चुके हैं। इसके बाद वे सेकेंडरी शिक्षा में गए तो उनके अंतिम साल में उन्होंने डबल सेंचुरी भी लगा दिया। इसके बाद लोगों का ध्यान उनकी तरफ आता गया। जब वे कॉलेज में पहुंचे तो यहां तक आते आते उन्होंने एक लंबा क्रिकेट खेल लिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुनील गावस्कर बचपन में पहलवान बनना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे वे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते गए उन्हें क्रिकेट के प्रति दीवानगी भी बढ़ती गई। जब वे अपने स्कूल के दिनों में थे तो उन्होंने लंदन के स्कूली छात्रों के खिलाफ 246, 222 और 85 रन की शानदार पारी खेली थी। इसका उन्हें इनाम मिला और साल 1966 में वो डूंगरपुर के एक प्लेइंग 11 के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्हें खेलने का मौका मिल गया। इसी साल उन्हें मुंबई रणजी में भी शामिल कर लिया गया, जहां इनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ दोहरा शतक लगा दिया और इस खिलाड़ी में कितना दम है इसके बारे में भी उन्होंने अपने प्रदर्शन के तौर पे उन्होंने सभी को दिखा दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार खेल को देखते हुए सुनील गावस्कर को भारतीय टीम में खेलने का भी मौका मिला। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साल 1971 में होने वाले टेस्ट सीरीज में इनका नाम था। वेस्ट इंडीज़ के पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित दूसरे मैच में डेब्यू किया। इस मुकाबले में उन्होंने पहली पारी में 65 रन और दूसरी पारी में 67 रन बनाए। इस मैच में भारत 7 विकेट से जीतने में सफल रहा था। इस 5 मैचों की सीरीज में सुनील गावस्कर ने 774 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। पूरी दुनिया में आज भी कोई बल्लेबाज अपने डेब्यू सीरीज में इतना रन नहीं बना पाया है। हालांकि इस सीरीज के बाद गावस्कर का बल्ला बहुत नहीं चल पाया। हालांकि लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि गावस्कर में अब वो पहली वाली बात नहीं रही। फिर आया साल 1974, जिसमें एक बार फिर से गावस्कर का बल्ला चला और उन्होंने शतक लगाकर बता दिया कि अभी भी शेर के पास वही ताकत है। इतना ही नहीं, साल 1976 में उन्हें भारतीय टीम का कमान भी बदल दिया गया। इसके बाद गावस्कर की बल्लेबाजी में एक अलग ही निखार देखने को मिली। गावस्कर उस समय के सबसे घातक टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना बल्ला खूब चला रहे थे। इसी साल गावस्कर ने एक कैलेंडर साल में 1,000 रन भी बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इसके बाद पाकिस्तान के साथ हुए सीरीज में भी गावस्कर के बल्ले से रन निकलता रहा। गावस्कर इरवान खान जैसे गेंदबाज के सामने भी खूब रन बनाए और उन्होंने इस सीरीज में 400 से भी ज़्यादा रन अपने नाम कर लिया। अब विश्व क्रिकेट में गावस्कर का एक नाम हो गया था। टेस्ट क्रिकेट में
तो खूब नाम हो ही रहा था, लेकिन ओवनडे मैच में इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। वे अपने आप को ओवनडे में बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में नहीं मानते हैं। 1975 में खेले गए विश्व कप में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 174 गेंदों में मात्र 36 रन बनाए। यह मैच भारत 200 रनों से हार गया। बता दें कि वे पूरे ओवनडे में नाबाद रहे थे। ओवनडे में गावस्कर का प्रदर्शन भले ही बेहतरीन नहीं रहा हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के वे बेताज बादशाह हैं। जब दुनिया वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के खौफ खाती थी, तो उस समय गावस्कर के खतरनाक वेस्टइंडीज के खिलाफ 13 शतक लगाए। स्लिप में खड़े होकर 100 कैच पकड़ने वाले पहले भारतीय हैं। सुनील गावस्कर ने साल 1987 में अपने क्रिकेट करियर के संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन वे क्रिकेट से दूर नहीं रह पाए। उन्होंने क्रिकेट में कमेंट्री की शुरुआत कर दी। गावस्कर क्रिकेट के साथ साथ फिल्म में भी अपना हाथ अजमा चुके हैं। उन्होंने मराठी के साथ साथ हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी की फिल्म है मालामाल। अगर उनके रिकॉर्ड्स पर एक नज़र डालें तो 7 मार्च 1987 को गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 10,000 रन पूरे किए थे और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले बल्लेबाज थे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज है। उन्होंने 25 टेस्ट मैचों में 34 शतक लगाए। वे लगातार 17 साल तक पहले नंबर पर रहे थे। उनका यह रिकॉर्ड साल 2005 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ही तोड़ा। क्रिकेट की दुनिया में वे इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने दो अलग अलग मैदान पर लगातार सबसे ज़्यादा शतक बनाया है। उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन पर और वानखेड़े मैदान में 4 शतक लगाए हैं। उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। वे दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 4 पारियों में दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम दर्ज है। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है। इन्होंने इस दौरान 8511 रन बनाए थे। यह कारनामा करने वाला कोई दूसरा बल्लेबाज अभी तक तो नहीं है। सुनील गावस्कर दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने का करिश्मा किया है। वो भी अब तक वेस्टइंडीज के पास जैसे कि उस समय के तेज गेंदबाज थे जोएफ गॉर्नर, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स और मैकलम मार्शल जैसे घातक गेंदबाज थे। टेस्ट क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भी वो पहले खिलाड़ी हैं। गावस्कर को कई सम्मान भी मिला है। सुनील गावस्कर को साल 1975 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1980 में उन्हें विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 1980 में उन्हें भारत सरकार द्वारा गावस्कर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2012 में उन्हें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। और चलते चलते आपसे एक सवाल कि सुनील गावस्कर को कौन सी पारी आपके दिलो दिमाग में आज भी याद है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।